नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो कई बच्चों ने मेरे से पूछा था कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ या आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी बुक्स को पढ़ती हूँ, मेरी फेवरेट बुक्स कौन सी है। तो सबसे पहले जो मुझे बहुत पसंद बुक है वो है ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है ये। इसमें शॉर्ट नोट की तरह दिया हुआ है हिंदी साहित्य को, इसको मैंने बहुत पढ़ रखा है और YouTube पर भी काफ़ी कुछ करवा रखा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो सारी बुक्स अच्छी होती हैं, जिसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं वो हमें पसंद हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरी फेवरेट बुक है हिंदी साहित्य के लिए। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की बात करूँ तो ये बुक है शब्द अर्थ प्रयोग, ये हरदेव बाहरी की बुक है, इसको मैंने बहुत पढ़ रखा है। किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले 80% जो शब्द होते हैं ना, इस बुक से मेरे को मिल जाते हैं, तो इसको मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन वगैरह बनाने में मैं इसको देखती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कहीं कंफ्यूजन हो जाती है किसी हिंदी साहित्य को लेके, तो मैं रामचंद्र शुक्ल जी का ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसको भी ज़रूर देखती हूँ, तो अपना जो कंफ्यूजन है उसको दूर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने KVS के एग्ज़ाम के लिए इस बुक को ख़रीदा था, क्योंकि मैंने ये सुना था कि इस बुक से काफ़ी सारे शब्द पेपर में पूछे जा रहे हैं, और अगर कोई बुक मुझे कह दे कि ये अच्छी है, तो जब तक ये मेरे पास ना हो वो बुक मुझे चैन नहीं आता, तो मैंने इसको ख़रीदा था। इसके अलावा सबसे पहले मैंने जो बुक ली थी हिंदी के लिए वो अरिहंत की मान्य हिंदी ली थी, ये भी बुक अच्छी है, काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, अगर पढ़ने वाला पढ़े अच्छे से तो ये बुक भी अच्छी है। और मैंने जब रीड का पेपर दिया था तो मैंने राजस्थान पब्लिकेशन की एक सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये बुक ली थी। इसमें बहुत सारे MCQ दिए हुए हैं और जो भी चीज़ें ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड दे रखी हैं इसमें, तो मुझे ये भी काफ़ी पसंद है हिंदी व्याकरण के लिए, मैं इसको भी ज़रूर देखती हूँ। इसके अलावा ये UGC NET के प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारा पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है तो इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर हुए थे UGC NET के वो भी दिए हुए हैं, हम उसको देख सकते हैं, हमें क्वेश्चन करने का अटैम्प्ट करने का तरीका इससे भी पता चल जाता है। इसके लिए इसके अलावा मैंने हिंदी साहित्य मतलब के लिए UGC NET के ये बुक्स ले रखी है प्रतियोगिता साहित्य की, ये काफ़ी अच्छी है वैसे तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इसमें थोड़ी गलतियां हैं, उसको हमें देखना पड़ता है कि वैसे कंटेंट पढ़ना हो तो अच्छा है। SCET के लिए काव्य शास्त्र को जब मैंने तैयार किया था तो इसी बुक से किया था और क्वेश्चन भी इससे बने थे, ठीक है। इसके अलावा ये अरिहंत की मैंने ली थी UGC NET के लिए, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर किसी शब्द को देखना हो मीनिंग वगैरह, तो मैं इसको फॉलो करती हूँ, ये है अमर का ये शब्दकोश है, ठीक है, और लास्ट में इसके पर्यायवाची लोकोक्तियाँ मुहावरे भी दे रखे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, इसको देख लेती हूँ। इसके अलावा सारी ये NCERT की बुक्स पड़ी हुई है मेरे पास, इनको भी मैं देखती हूँ ज़रूर, और जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक हमारे सिलेबस में लगी हुई है इसको भी मैं अच्छे से देखती हूँ। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैं देखती हूँ और इसी से कंटेंट बना के आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बुक्स पसंद आई होंगी, अगर अच्छी लगी तो आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।